अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सुबह हो गई है और माज़ की जो है तबीयत ख़राब है। माज़ स्कूल नहीं जा रहे। हादिया जो है वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है, नाश्ता कर रही हैं, अभी नहा के फारिग हुई हैं और अब नाश्ता कर रही हैं। दिल नहीं चाह रहा अकेले स्कूल जाने का, है ना। वैन आने वाली, जल्दी जल्दी फिनिश करो नाश्ता। हादिया का भी दिल नहीं चाह रहा स्कूल जाने का। दिल चाह रहा, नहीं चाह रहा, जा रहा है। जब भी तो मूड ख़राब है। माज़ भाई नहीं जा रहे ना आज, मूड बहुत ख़राब है। जल्दी खा लीजिए मेरी बच्ची, बहुत टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, नाराज़ तो नहीं हो रही है, जा रही ना खुशी खुशी। अच्छा अच्छा पढ़े पढ़िएगा स्कूल में, सही है। मिस की शिकायत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल रवा, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा। ठीक है, मुझसे तो बोलो। ठीक है ना, बिल्कुल शिकायत नहीं आए, मुझे पसंद नहीं है मिस की शिकायत आना। जिसको शिकायत करती है ना मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या खा रही हो, चाय? क्या खा रही हो नाश्ते में? चाय पापा। चलो नाश्ता कर लो फिर मैं आपको तैयार करती हूँ। ठीक है, फिर से खा लीजिए, आपके बाल भी जब तक सूख जाएंगे। ठीक है, स्कूल जा रही हैं आज अकेली। माज भाई जो हैं वो सो रहे हैं अभी। रोना तो नहीं आ रहा अकेले जाने के? नहीं, खुशी खुशी जा रही है ना आप, रुके तो नहीं जा रही ना, गुस्सा भी नहीं आ रहा ना। बोलो मुझे तो बोलो। अच्छा अच्छा पढ़ना आज, अच्छा सही है ना। अभी वेट कर रही है हादिया गाड़ी का भी, इनकी गाड़ी आने वाली है। इस मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत हसीन सा है ना हादिया। मौसम अच्छा हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है हल्के हल्के फुहार में। मौसम देखिए कितना हसीन हो रहा है, सुबह सुबह का प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश तेज़ होने वाली है। हादिया आपकी गाड़ी लेट हो गई आज। हादिया स्कूल जा चुकी है, मैं हादिया को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। अब जो है मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चे सो रहे हैं, मासी मेरी आने वाली है। मासी आज है काम कर ले, फिर मैं मास को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट है आज। मतलब आज उसको उसकी सेक्शन होगी, एयर की उसके काफ़ी टाइम हो गया, कान जो है बिल्कुल, हम टर्टल भी जब गए थे जब से उसके कान बंद हैं, मतलब मिट्टी वगैरह चली गई थी इसकी वजह से। अब उसकी बहुत हार्ड हो गया था उसका वैक्स, डॉक्टर ने कहा था ड्रॉप्स डालें जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जब सेक्शन हो गया फिर क्लियर होगा। अब काफ़ी टाइम हो गया, 2 वीक्स हो गए, मतलब मिसाइल से मतलब जाना ही नहीं हो रहा डॉक्टर के पास। कभी बारिश हो जाती है, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकते। तो आज मैंने बुखार भी था तो मैंने छुट्टी करवा ली स्कूल से ऑफ करवा कर। तो अब मैं क्या कहते हैं उसे आज डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी बारिश का पूरा इम्कान है कि बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बारिश का हो रहा है। हल्की हल्की फुहार तो हो रही है लेकिन मुझे तेज़ बारिश का लग रहा है कि तेज़ बारिश ना हो जाए तो थोड़ा मसला हो जाएगा फिर। तो मैं आपसे एक वो डिस्कस करती हूँ, मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है कि आप किसी का या गुस्सा बहुत आता है तो आप अपनी नाक के ऊपर उंगली रख कर 66 बार आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका गुस्सा भी रिलैक्स होगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। करके देखिएगा, ये अकबरी हैं जो शेख तारिक हैं, मैंने उनसे बैत भी ली हुई है और मतलब उनके सारे वज़ाइफ करती हूँ। वो कराची जब आते हैं तो हम उनसे जाते भी हैं उनके मतलब दर्स वगैरह में। अभी वो संडे को भी कराची आ रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर जाना होगा तो मैं आपको वीडियो बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी, उनकी दर्द सुनाऊंगी। तो आप ये करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा करने में। इसलिए कि मैं जितने वज़ाइफ करती हूँ इनके तो मुझे बहुत फैज़ पहुँचता है हर लिहाज से। कोई मुझे परेशानी होती है उसके लिए पढ़ती हूँ, फौरन मेरी परेशानी दूर होती है। एवरी कुछ भी मुझे मसला होता है ना, मैं जो इन्हें बताए वज़ाइफ होते हैं वही करती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह उससे फैज़ हासिल करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ अभी नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं मास्क लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। अल्लाह हाफिज़।